आपने अडानी को दे दिया। आज देश पूछ रहा है कि अडानी के घोटालों की जांच कब होगी, अडानी जेल में कब जाएगा। 18 में कोई सीट तो मिली नहीं, हालांकि वोट शेयर कुछ आपका 7-7.5% रहा। इस बार क्या देख रहे हैं? पार्टी बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ेगी, बहुत अच्छी से तैयारी, हमारा संगठन बहुत। अनम्यूट कीजिए गौरव जी। अनम्यूट है? हाँ बोलिए, आ रही आपके पास आ रही आवाज। समाजवादी पार्टी बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ेगी, पहले भी लड़े थे, इस बार के रिजल्ट बहुत ही अच्छे आने वाले हैं। ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी बनाम जनता की लड़ाई है और जनता के साथ समाजवादी पार्टी और विपक्ष दल पूरा खड़ा हुआ है। जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी से ऊब चुकी है, जनता सवाल कर रही है भारतीय जनता पार्टी से कि जो इन्होंने वादे और जुमले किए थे उनका क्या हुआ। मोदी जी ने तो बोल दिया कि ये अभी जो इन पे आरोप लगाया है उल्टा सीधा, मोदी जी ने जो बोला है जो ये बरसाती हैं या कुछ भी है तो वो सब ये मोदी जी पे इंप्लीमेंट होते हैं। राजस्थान में इनका मैनिफेस्टो उठा के आप देख लीजिए, 450 रुपए का सरेंडर देंगे। सरकार तो आपकी उत्तर प्रदेश में भी है, उत्तर प्रदेश में आप क्यों नहीं दे पा रहे? क्या योगी जी से इस्तीफा देना चाहिए? या दिल्ली और लखनऊ में आपकी तालमेल नहीं बैठ पा रहा, या और कोई दिक्कत है? उज्ज्वला योजना आप लेके आए वो धरातल पे फेल हो गई। आप आयुष्मान कार्ड उत्तर प्रदेश में लेके आए वो धरातल में फेक है। आज उत्तर प्रदेश की हालत देख लीजिए, जहां पे आपकी सरकार है ना डॉक्टर है ना एम्बुलेंस है ना स्ट्रेचर है ना है सफाई, और कार्ड बांट रहे भाजपा ही। बीजेपी पहले महंगाई पे लगाम नहीं लगाती, पहले महंगाई बढ़ाती है, उसके बाद थोड़ा सा रेट डाउन करके जनता को लुभाने का काम करती है। ये छल कपट और झूठ की राजनीति। लेकिन गौरव जी, लेकिन तालमेल का सवाल तो आपके इंडिया गठबंधन पर भी उठ खड़ा होता है ना, चाहे आप हो या आम आदमी पार्टी हो, किसी भी राज्य में अगर पहुंच रहे हैं तो मुश्किलें किसकी बढ़ रही है, आप खुद बताइए। देखिए हम किंग मेकर के रूप में निकलेंगे, देखिए 3 तारीख को जब रिजल्ट आएगा समाजवादी पार्टी किंग मेकर के रूप में उभरेगी और मुख्यमंत्री जो बनेगा समाजवादी पार्टी के साथ ही। मध्य प्रदेश नहीं, मैं राजस्थान की बात कर रही हूँ गौरव जी। मैं कह रहा हूँ कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का साथ। कितनी सीटों पर आप लड़ रहे हैं राजस्थान में? 5 और आप कह रहे किंग मेकर? कहीं ना कहीं वह कह तो रहा हूँ, जनता इस बार भाजपा के खिलाफ वोट कर रही है, बीजेपी बिल्कुल नीचे आने वाली है। बीजेपी का रेशियो देखिएगा 3 तारीख को जब अकाउंटिंग होगी, बीजेपी बिल्कुल नीचे आ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का देश से सफाया होने वाला है। उसके बाद जो दूसरा चुनाव आ रहा 2024 का, उसमें भी देख लीजिएगा, 2024 में भी प्रधानमंत्री कह रहे हैं कांग्रेस छूमंतर हो जाएगी, कांग्रेस ही छूमंतर होगी देश से, उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी छूमंतर होने वाली है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो जुमले थे, छल कपट और झूठ की राजनीति, जो उन्हें जुमले फेंके थे चुनाव जीतने के लिए, वो छूमंतर हो चुके हैं। अरे 15 लाख किसके आए खाते में आए बताइए, 2 करोड़ नौकरियां किसको मिली, किस किसान की आज दुगनी हुई, 75वें स्वतंत्रता दिवस में किसके घर में सरेंडर आ गया, किसको अपना घर मिल गया? इन्होंने बोला था 22 के चुनाव में हर दिवाली हर होली फ्री सरेंडर मिलेगा, आज किस बहनों के घर में सरेंडर गया? मैं तो खुशी होएगी जिस दिन मेरी बहन खुश होएगी जिस दिन उसका पति टिफिन लेके नौकरी पे जाएगा, जो बेरोजगार बैठे हुए हैं लोग आज।